जाओ चला। जा रही हो? हाँ आओ तो जाओ। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और ना सुबह मैं उठी थी, मतलब मम्मी गई थी जब 5:30 बजे, जब से उठी थी फिर उसके बाद नींद नहीं आई 1 घंटे में, और लेटे लेटे नींद आई कि अब उठी हूँ, 9:30 बज गए हैं। और ना मैं बना रही थी ब्रेड एंड चाय, ब्रेड टोस्ट और चाय। चलो बन रहे हैं मेरे। हेलो एवरीवन, तो अभी हो रहे हैं 11 बज रहे हैं और मैं बनाने जा रही हूँ रोल, क्योंकि मतलब आज मंगलवार है तो मंगलवार को ना रोड चढ़ता है और आज दशहरा भी है। तो आप सभी को हैप्पी दशहरा, दशहरा मुबारक, मतलब दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं बनाने जा रही हूँ रोड, क्योंकि आज ये चढ़ाएंगे, आज मंगल भी है, दशहरा भी, दोनों चीज़ें। और अब 11 भी करनी है और आज सारे काम लेट हो रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं चलिए, तो बस फिर मैं आ गई थी किचन में। हमारे यहाँ क्या होता है ना कि मंगलवार को आप ना हनुमान जी को ये रोट बोलते हैं, मीठी पूड़ियों को तोड़ के उसमें बताशे मिला के हनुमान जी को चढ़ाया जाता है। हमारे यहाँ से रोट बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं बताना। और मेरी सी गलती हो गई थी कि गुड़ ना ज़्यादा घुर गया था, इस चक्कर में मैंने सोचा कोई नहीं ज़्यादा डाल देते पानी। कभी कभी होता है ना कि कुकिंग में आपसे भी गलतियाँ हो जाती हैं, और मेरे से भी वही हुआ, शायद ज़्यादा मीठा हो गया। तो इसलिए ना थोड़ी ना ये कुरकुरी सी हो गई थी, मतलब जैसे सॉफ्ट पूड़ी बनती है ना मीठी, वो नहीं बन पाई थी। पर बहुत अच्छी, वैसे टेस्ट में कोई बेकार नहीं थी, टेस्ट में अच्छी थी, सही बनी थी। तो बस मैं वही मीठा, या तो आप चीनी घोल लो या फिर गुड़ घोल लो, मेरे पास गुड़ रखा था, मैंने कहा चलो गुड़ घोल लेती हूँ। तो बस गुड़ घोल के, और इसीलिए आटा ये बिखरे बिखरा, और गाँव का आटा है ना तो मोटा आटा होता है, तो मोटा आटे की वजह से ना थोड़ा वैसा फुरफुरा सा बोल देता ना, तो वैसा हो जाता है, ड्राई ड्राई सा। चलिए तो बस रोट बनाना, तो रोट बना था घी में, और घी ना हमारा ख़त्म हो गया था थोड़ा सा था। इन्होंने कहा चल जब तक इसमें बना दे फिर मैं जाऊँगा शॉप पे, तो ले आऊँगा अभी जाके। तो फिर और घी में ही बनता है, अगर आप प्रसाद का बना रहे हो तो ये देसी घी में बनता है। मतलब कुछ लोग ना रिफाइंड को घी बोलते हैं, तो रिफाइंड वाला घी नहीं, देसी घी, देसी घी में रोट बनता है। तो उधर मैंने आटा भी मार लिया था, क्योंकि मुझे अग्यारी करनी थी, मम्मी आज मतलब गाँव गई थी तो वो सुबह बहुत जल्दी गई थी ना, तो नहा के नहीं गई थी क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो फिर वो अग्यारी नहीं कर सकती थी। तो बोल के गई थी कि तुम अग्यारी कर देना, वैसे तो वही करती हैं पर दही देवता की जो अग्यारी होती है दशहरे पर वो कर देना। मैंने कहा ठीक है, तो अग्यारी के लिए मैंने कहा फिर बार बार थोड़ी ना करूँगी मैं आटा, फिर मैंने साथ ही दोनों आटे मार देते, क्योंकि उसकी बूढ़ियाँ सेकनी थी। और जो रोट का आटा होता है ना, इसको अगर जितना आप मारते हो ना उतना पूरे का ही प्रसाद बनता है। ऐसा नहीं कि आपने कुछ पूड़ी अलग निकाली कुछ अलग निकाली, नहीं। तो इसलिए इसका तो प्रसाद का मतलब जो अग्यारी करते इस आटे से तो कर नहीं सकती थी मैं, इसलिए मैंने दूसरा आटा मारा था। ऐसा नहीं होता कि आपने रोट के लिए निकाला तो चलो थोड़े का चार पूड़ी का, चार पूड़ी इसमें से निकालो, नहीं। जो आप आटा रोट के लिए बनाते हो ना, मारते हो, जितना आटा लेते हो आपको उतना ही मारना पड़ता है, उतने की ही पूड़ी बनानी पड़ती है, उतना ही प्रसाद में जाता है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ आके पता चली थी, मुझे पूरी जानकारी नहीं थी। और बस मैं बनाने जा रही थी पूड़ियाँ, दूसरी तरफ मैंने कंडिया भी चढ़ा दी थी अग्यारी करनी थी, क्योंकि पति देव नहाए नहीं थे वरना तो वही अग्यारी कर देते। तो फिर मैं करने लग गई थी अग्यारी, और पूड़ी का ना वही सिस्टम हो रहा था कि कभी मतलब मैं आपको क्या बताऊँ कि देखो बस चारों तरफ से ऐसे चित्रे चित्रे से हो गए थे, लेकिन कोई नहीं, इन्हें तो वैसे भी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के ही प्रसाद बनाना है। तो मैंने इनसे बोला था कि ऐसी हो गई क्या करूँ, दोबारा फिर आटा डाल के करूँ? इन्होंने कहा नहीं रहने दे, कोई नहीं, वो तो टूट गई तो बननी, कोई बात नहीं, बनी तो सही है ना। मैंने कहा हाँ, तो बस पूड़ियाँ बन गई थी वाली मीठी पूड़ी, और ये आ गई थी बस भूख जो अग्यारी करनी थी, दो तो जो गाय की पूड़ी थी वो, और अग्नि देवता पे चढ़ानी थी, और दो भगवान जी के लिए। तो ऐसे करके मैंने 6 पूड़ियाँ सेक ली थी, दो दो लेके। तो अगर आप खीर बनाओ तो खीर तो कोई खाता नहीं, तो खीर मैंने नहीं बनाई थी। तो अगर कुछ नहीं होता ना तो मम्मी बताती हैं, मतलब मायके में भी बताते, ससुराल में भी मैंने देखा है और मायके में भी देखा है, तो चीनी रख लेते हैं थोड़ी सी मीठे के लिए, या फिर आप गुड़ रख सकते हो। तो मैंने इनमें चीनी रख ली थी, और उधर कंडिया भी मेरी गर्म हो रही थी क्योंकि वही अग्यारी करनी थी। तो हमारे यहाँ अग्यारी ना किचन में कर दी जाती है, तो सबसे पहले अग्नि देवता को आप गैस पे कर दो, कुछ लोग चूल्हे पे कर देते हैं, जिसके पास चूल्हा होता है तो ऐसे इसमें डाल देते हैं और जल थोड़ा सा चढ़ा देते हैं, वो भी मैंने साइड में डाल देता, इसमें क्लिप में शूट नहीं हुआ होगा। तो बस 2 पूड़ी मैंने रख दी थी भगवान जी के लिए, और 2 पूड़ी अग्यारी करनी थी, और 2 गाय की अलग रखी दी थी मैंने। तो बस ये रोट की पूड़ी उधर एक साइड रख दी थी, पहले मुझे करनी थी अग्यारी, क्योंकि जो हनुमान जी का रोट चढ़ाने जाएंगे वो पतिदेव जाएंगे, मैं नहीं जाऊंगी उसमें चढ़ाने।
तो इसलिए मैंने फिर वो अलग रख दी थी। और मैं सोच कोशिश करूँगी कि कुछ टाइम पहले ना हमने बहुत रोड चढ़ाए थे और कुछ टाइम से चढ़ ही नहीं पा रहे थे, तो मैं सोच रही हूँ हर मंगल को ट्राई करा करूँगी, बना दिया करूँगी रोड, क्योंकि अच्छा होता है रोड रोड चढ़ाना, बढ़िया है। हमारे यहाँ रोटी बोलते हैं, आप देख लेना प्रसाद बोलो। तो बस अग्यारी करनी थी, बस वो मैंने घी में ही ले ली थी, दही देवता खुश थे हमारे घर के इसलिए, वरना तो बहुत मुश्किल होती, कभी कभी जलती ही नहीं है मतलब आग। हाँ तो ये देखो एक बार में ही हो गया था, तो बस मैंने अग्यारी पे चढ़ा दिया अपना जलवल, और ये बहुत अच्छी जली थी, इसका मतलब दही देवता बहुत प्रसन्न है, तो कोई टेंशन नहीं है, उनका आशीर्वाद हम पे बना रहे। चलो यही मनोकामना है बस। चलो तो बस अब मुझे बनानी थी रोटियां, क्योंकि पूड़ियां, वैसे तो पूड़ियां बना देती लेकिन पूड़ियां ना पापा को पसंद ज़्यादा ना इनको पसंद, कहते हैं नहीं पूड़ी बूड़ी नहीं, मतलब पहले के लोग कितने पूड़ियों के लिए भकाए रहते थे, और अब तो किसी को पसंद, बचपन में तो मुझे भी पसंद थी, अब मुझे पसंद तो है लेकिन बस वही है कि मोटापे की वजह से कि चलो और फैल जाएंगे, मत खाओ, तो इसलिए मैं इसमें खाती ही नहीं हूँ। तो बस अब मैं बनाने जा रही थी, सबसे पहले हाँ सबसे पहले मुझे रोट का बनाना था, ये प्रसाद, ये जो मंदिर में भोग लगना था वो मैंने अलग रख दिया, सारा सामान हटा उठा के रख दिया, क्योंकि पहले ये मंदिर जाएंगे जो हमारे पीछे गली के मंदिर में, उसमें चढ़ाने जाएंगे प्रसाद रोट का, उसके बाद क्या कहते हैं घर में पूजा करेंगे। हम ऐसे ही करते हैं मोस्टली कि सबसे पहले मंदिर में पूजा फिर घर के मंदिर में पूजा। तो बस रोट के लिए क्या करते हैं ना, इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं, इनके ऊपर आप बताशे मिश्री या कुछ भी मीठा रख लो साथ में, तो ये चढ़ाया जाता है, फिर ये बांटा जाता है सबको, और बहुत अच्छा लगता है सच में ये प्रसाद तो। और पहले मुझे भी नहीं पता, जब मैं गाँव गई थी ना तो मैं ऐसे करती, मैं कहती मम्मी इतना सारा आटा मार दिया तो कुछ अलग रख लो, तब मम्मी ने बताया था सास ने कि नहीं ऐसे नहीं होता, मतलब जितना मारते ना उतना ही लगता है, चाहे आप थोड़ा मार लो चाहे कितना ही मार लो, लेकिन इसका ना जो भी आटा आप मारते हो वो अलग अलग नहीं किया जाता। पर मुझे मुझे पता चला, मैं चलो ठीक है रोट बन के तैयार हो गया है, और बस फिर मुझे बनानी थी सब्जी। और पहले मैं सोची थी कुकर में थोड़ी रसीली वाली बनाऊं, लेकिन फिर मुझे याद आया पापा को ना थोड़ी ज़्यादा तेल वाली पसंद है, तो मैं आज घर पे भी थे, मैंने कहा चलो आज गरम गरम रोटी खाएंगे, तो चलो उनके पसंद की सब्जी बनाए, तो और उन्हें बैगन ना बहुत पसंद है बैगन की सब्जी, तो बस मैंने वही कढ़ाई ले ली थी, कढ़ाई में से मैंने घी निकाल लिया था, तेल डाला था, घी में सब्जी थोड़ी ना बनेगी, और क्योंकि घी में अब सर्दी भी आ रही है फिर वो बाद में ना जम जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि घी में नहीं बन सकती, लेकिन घी में बस दाल का तो ये होता है कि आप साथ के साथ खा लेते हो, लेकिन सब्जी घी की ना नहीं इतना खास नहीं लगती, तेल की ही अच्छी लगती है, और सबसे ज़्यादा सरसों के तेल की और लोहे की कढ़ाई की, और मेरी सारी सब्जियाँ ना मैं लोहे की कढ़ाई में बनाती हूँ, सिल्वर की भी मेरे पे रखे, कईयों कढ़ाई रखे, लेकिन मुझे यही पसंद आती है, और उसकी शक्ल भी बहुत सुंदर है तो बस वही बीच बीच में कैमरे को सेट करना, तो बस वही सिंपल स्टाइल की मेरी सब्जी बनती है, बस डाला जीरा डाला और बस इन्हें भूंजने दो थोड़ी देर, और मुझे ना ऐसे ही सब्जी का तरीका ठीक लगता है, अगर आप वैसे ही छौंक के बस सारे मसाले डाल के बंद करके ढक के रख दो ना तो वो टेस्ट आपका आएगा ही नहीं, क्योंकि पता नहीं क्या हो जाती है पनीली पनीली सी, मैं तो पनीली बोलती पनीली पनीली, और बस अलग स्टाइल में बनाना, तो टमाटर लंबे लंबे काटने थे, और जब ये भुंज जाएगी बैगन आलू अच्छे से, फिर इसमें डालूंगी लास्ट में टमाटर में, और तो बस किचन थोड़ी सी साफ करके रख दी थी मैंने साथ के साथ, और कुछ टिप्स ना ये अच्छी रहती हैं कि जैसे आप साथ के साथ किचन साफ करते रहो तो इतनी ज़्यादा मैशी नहीं होती, तो लेकिन ना बस ये होता नहीं है हम पे, टिप्स तो बहुत अच्छी अच्छी हैं, और ये टिप्स भी ना मैं कुछ लोगों के ब्लॉग देखती हूँ, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हैं उनके पास ही सीखे कि चलो कुछ क्लीनिंग वीडियो वगैरह भी के साथ, ये हैबिट अच्छी लगी मुझे कि अगर आप साथ के साथ अगर जरा सा भी बिख रहा है ना तो साथ के साथ साफ कर दो, तो आपकी किचन इतनी गंदी नहीं लगती, तो और कभी कभी तो ज़्यादा सड़ जाती है। चलो अब देखो बैगन आलू जब भुंज गए ना बढ़िया तरीके से, मतलब फिर ना आपकी खिले खिले रहेंगे, फिर इसमें डाल दो हल्दी नमक मिर्च धनिया और प्याज लहसुन का, मैं फिर बताती हूँ जो लोग नए मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, मैं पहले से नहीं खाती और ना मैं डालती, ना मेरी सब्जियों में कभी मिलेगी, और अगर आप नवरात्रों में सब्जी बनाना चाहते हो तो मेरी सब्जियों से टिप्स ले लेना कि कैसे बनती है सब्जी, और सच में बहुत अच्छी बनती है। टमाटर डाल दिए मैंने काट के लंबे लंबे, और बस इसे थोड़ी देर ढक के पकने देंगे, क्योंकि ये 90% डन हो ही जाती है, 10% थोड़ी सी कुक में हो जाती है डन, और सब्जी बन के ना एकदम रेडी, अब देखना इसका। अब इसमें डालनी थी हींग ना मैं भूल गई थी, फिर मैंने बाद में हींग डाली थी, जब पापा की सब्जी परस थी तब तो मुझे याद आया मैंने हींग नहीं डाली, फिर पापा की सब्जी फिर कढ़ाई में डाल के फिर करती, और इसमें डाल दिया मैंने हरा धनिया, क्योंकि हरा धनिया था, हरा धनिया नहीं होता ना, मैं आपको टिप्स देती हूँ, तो आप कसूरी मेथी डाल सकते हो, उससे भी ना फ्लेवर बहुत औसम आता है सच में। हेलो एवरीवन, तो अभी हो गए हैं 12 बज गए हैं, और ना मतलब सब्जी वगैरह बन गई, आटा लग गया है, पूरी जो आज ना क्या था ना दशहरा था, तो दशहरे पे मम्मी बोल के गई थी कि अग्यारी कर देना, क्योंकि वो आज सुबह ही जा रही है, तो वो वैसे तो मम्मी वगैरह कर देती हैं गाँव में अग्यारी,
लेकिन वो सुबह की गाड़ी से गई थी तो फिर पहुंचेंगी कब 11 हो गए, तो वो कह के गई थी कि तुम 11 कर देना। तो बस मैंने वही 11 करी थी, एक गाय की निकाली थी, भगवान जी का भोग निकाला था अलग, वही पूड़ी। और भोग में ना मैं कुछ अटरम सटरम नहीं लगाती भगवान जी को, जो घर का बना होता वही ज्यादातर वही बनाती हूँ, वही लगाती हूँ भोग में। तो पूड़ियाँ दो निकाल देती चीनी रख के, क्योंकि मीठा कुछ नहीं था, बस वो चीनी थी। और जो वो बनाए थे ना वो रोड था, हमारे यहाँ से रोड बोलते हैं, हनुमान जी पे चढ़ता है, भोग लगाया जाता है हनुमान जी को। तो ये लेके गए अभी मंदिर। तो मीठी पूड़ी आज क्या हुआ था ना, उसमें गुड़ की बनाई थी ना, तो गुड़ थोड़ा शायद ज्यादा हो गया था मुझसे, इसलिए वो साइड लेके ना आ रही हूँ, फट रही थी। वरना ही मीठी पूड़ी बनती है सिंपल, उनको बस तोड़ के उसमें बताशी या मिश्री कुछ भी डाल लो और भोग लगाया जाता। तो अभी भोग लगा के आएंगे, फिर वो बटेगा प्रसाद। और रोटी अभी मैं बनाऊंगी, अभी फिलहाल क्या कहते हैं, अब फ्री हुई हूँ, पानी वानी पीऊंगी और करनी है एडिटिंग, क्योंकि सुबह से एडिटिंग हुई नहीं, थोड़े बहुत कुछ काम थे और कुछ और भी काम थे, तो इसलिए ये सब अभी का अपडेट ये है। चलो तो अभी पहले मैं एडिटिंग कर लेती हूँ, जब तक ये आ रहे थोड़ी बहुत एडिटिंग हो जाएगी, क्योंकि कुछ क्लिप ना जो मैंने कल शूट करी थी ना नवरात्रि वाली, वो पति के फ़ोन से करी थी, तो पति के फ़ोन से मुझे अपने में ट्रांसफर करने हैं, फिर मैं एडिटिंग करूँगी। चलिए तो देखते, रोटी बनाऊंगी फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और बस मैं आ गई थी किचन में, और ये ना स्कार्प है, मतलब छोटा सा, तो इसलिए ना पूरा नहीं ढक पाया, तो आगे आगे ढका, क्योंकि पापा को खाना देना होता ना, तो ये कि थोड़ी आगे से लास्ट तो मरी जाए। और दुपट्टा अंदर रखा था, मैंने कहा चल अब ये ठीक है। और सब्जी मैंने पर्स दी थी, और देखो मैं इसी की बता रही थी ना, इसमें हींग का वही सिस्टम होता। फिर मैंने दोबारा पलट के, मैंने कहा हींग ऐसे मिलेगी नहीं, फिर पलट के ही मैंने किया था, अभी देखना शायद इसमें अगर ऐड हुआ होगा तो। और रोटियां सेक रही थी, और पतिदेव जब तक पूजा कर रहे थे, मैंने कहा जब तक ये पापा खाएंगे तो जब तक इनकी पूजा भी हो जाएगी। तो अब देखो मैंने कहा था ना, मैंने सब्जी फिर दोबारा उसमें पलट दी थी हींग डालने के लिए, भूल गई थी। मैंने कहा फिर ना वो ऊपर से डालेंगे, हींग तो कहीं हो जाएगी, कहीं नहीं होगी, और इस कढ़ाई में क्या होता है अच्छे से मिल जाती है। और ना सब्जी इनको अच्छी लगी, पापा को अच्छी लगी, लेकिन मुझे ज़्यादा खास नहीं लगी, मुझे नमक थोड़ा तेज लगा, इनके लिए परफेक्ट थे, कह रहे हमें आज डालना नहीं पड़ा नमक, हमें ठीक लगा। लेकिन मुझे ना, और वो साइड में आप प्रसाद देख रहे हो, प्रसाद बांट के आ चुके थे ये, और बस मेरा रखा था, इनका रखा था, ये पापा को भी दे दिया था प्रसाद। चलिए तो बस खाना पीना सब बन गया है, इन्होंने भी खा लिया, पापा ने भी खा लिया, बस अब मैं खा रही हूँ इन्हीं की थाली में जो रखा है। तो चलिए बस खाना वाना खा के देखते हैं कहाँ तक जाएगा दिन, क्या जैसा जाएगा। और चलिए तो फिर सीधा मैं शाम को आ गई थी, तो शाम की क्लिप है ये, बनानी थी आलू की कढ़ी। तो मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या बनाए क्या बनाए, कभी सोचे थे ये बनाए वो बनाए, आलू टमाटर बनाए ये बनाए, फिर एंड में मेरे को किचन में आई, मुझे पता नहीं क्या खुमार चढ़ा, मैंने कहा आलू की कढ़ी बनाया था। सबसे पहले मैंने आलू छौंक दिए, और आलू छौंकने के बाद याद आया कि आलू की कढ़ी बना देती हूँ। आलू में वही सिंपल छौंक दिए थे, जब तक वो भुंज रहे थे, जब तक मैंने यहाँ पे अपना मटर डाल के बेसन घोल लिया था, अच्छे से फेंट लिया था पहले। मैं मेरे दिमाग पे से निकल गया, आज थोड़ा ना मूड भी मेरा थोड़ा ऑफ था कुछ बातों से, तो बस हाथों से मैं उसे मिला रही थी, मतलब अच्छे से मिला रही थी, लेकिन वो तो मेरी रस्म है तो वो फैलना ही है, सगुन है। फिर मेरे को एकदम ये मिला, फिर मैं इससे फैटने लग गई, मैंने कहा ये मेरे पास है, मैं क्यों हाथों से लगी पड़ी, पता नहीं क्या क्या सोच रही थी मैं, तो बस लगी पड़ी थी अपना, तो बस यही फैटने लग गई थी। और कुछ ना पता क्या, तो बच्चे एक तो शरारती बहुत हो गए हैं मेरे, वैसे शरारत नहीं करते, बस उनकी जिद खत्म नहीं होती, ये चाहिए वो चाहिए, तो ये और बच्चे और मूड खराब करते हैं। तो बस हरी मिर्च वगैरह इसी में काट लिया, इसी में सारे मसाले डाल दिए, और आलू जब तक मेरे भुंज गए थे, करारे सूखे थे, फिर इसमें डाल दिया मैंने ये। और आलू की कढ़ी भी ना सच में अच्छी लगती है। और मेरे ये था कि जल्दी में क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ कुछ, और ये लोग कह रहे थे भूख भी नहीं हमें ज़्यादा, और फिर कह रहे थे कि खाना भी सब्जी रोटी है, तो आलू टमाटर का मेरा मन नहीं था। मैंने कहा आलू टमाटर बनाने से अच्छा है कि ये सही है, आलू की कढ़ी लेकिन अच्छी बनी थी, मुझे सही लगी थी। तो बस आटा भी लग के तैयार हो गया, एक तरफ आटा लगा लेते, और किचन ना बहुत सड़ गई थी। और देखिए कढ़ी का टेक्सचर, कड़ी ना पता क्या, तो कैमरे में इतनी क्लियरिटी नहीं आती जितनी आप सामने से देखो ना, तो और लग ही आती है, पता नहीं क्यों कैमरा कैप्चर नहीं कर रहा है, खैर कोई नहीं कड़ी। चलिए तो अभी बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं, टाइम कितना हो रहा है, 7:30 हो रहे हैं। और ना कुछ खाना है कुछ नहीं खाना, बस इनका वही चल रहा था। और दिन भर में मैंने कुछ भी शूट नहीं करा, क्योंकि बस सो गए, फिर कुछ काम में लग गए, फिर चले गए बाहर मार्केट से कुछ लेके आना था वो चले गए, तो आज पूरे दिन ना, और आज ना थोड़ा मूड भी ठीक नहीं था, तो इसलिए कुछ शूट नहीं करा। और अभी बस पहले सोचा था आलू टमाटर बनेंगे, उससे पहले और था कि नमकीन चावल बनेंगे, फिर हो रहा था कि क्या बनाए, खिचड़ी बनेगी, प्लान बता देते, फिर उन्होंने कहा सिंपल आलू टमाटर बनाना, फिर मैं किचन में गई, फिर मैंने कहा आलू की कढ़ी ही बना रहा था, तो आलू टमाटर वैसे मुझे पसंद नहीं है, और भूख सी भी लग रही थी, तो मैंने फिर बना दिया आलू की कढ़ी। और ना सर में दर्द हो रहा है बहुत तेज, तो थोड़ी सी ना चाय रखी थी मैंने, शाम को बनाई थी ना, तो वही थोड़ी सी चाय मैंने ले ली अपने, थोड़ा सा दूध डाल के गर्म करके। चले तो आगे देखा, कढ़ी जो मेरी पक गई थी, नमक वगैरह मैंने सब डाल दिया था, इसमें डालना हरा धनिया, और हरा धनिया डाल के ना
चीज में कहते हैं ना, नया निखार आ जाता है, ऐसी सब्जी में भी नया निखार आ जाता है। और बस कड़ी बन गई आलू की कड़ी, और जितनी देखने में अच्छी लग रही है ना उतनी खाने में भी टेस्टी थी। तो बस फिर मांग गई थी रोटियाँ बनाने के लिए, और आटा आज थोड़ा ज़्यादा लग गया था, मतलब 4 रोटियों का आटा ज़्यादा लग गया था। फिर ना मुझे ना मम्मी भी बोल रही थी, और मैंने कई बार वीडियो वगैरह में भी देखा कि रात का आटा ना यूज़ नहीं करना चाहिए, समथिंग मतलब कहते हैं कि कुछ गलती बेकार ही होता है। तो फिर 4 रोटी का आटा था, मम्मी ने कहा कभी कभी बच जाता है ना तो पास में भैंस वाले ना उसके यहाँ डाल दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करा करो फिक्स ही मारो, लेकिन मत बचाया करो रात का ना, मत खाया करो। फिर मैंने कहा चल ठीक है, 4 आटा और 4 रोटी का क्यों बचा था, क्योंकि पापा ने रोटी कम खाई थी, वरना तो वो भी नहीं बचता। पापा ने कम खाई थी, इन्होंने तो ठीक खाई थी, मतलब जितने खाते हैं, मैंने भी अपना 2 रोटी खाई थी। तो फिर मैंने कहा चल कोई नहीं, बच गया तो बच गया, और बस ऊपर से लपे से निकालना है सामान, और बस रोटियां सेक रही थी। और पता क्या हुआ था कि कड़ी ना मुझे लग रहा था ज़्यादा बन गई क्या मेरे इससे, और ये भी कह रहे थे, पापा भी कह रहे थे थोड़ी और पतली होती। मैंने कहा पतली तो होती, लेकिन ना अगर ज़्यादा पतली करते ना तो कड़ी बहुत बच जाती, और फिर कौन खाता, सुबह कोई खाता नहीं, ये लोग खाते नहीं, मैं भी फिर कितना खाऊं ये लगता है। और सर्दियां आ गए, सर्दियों में गुड़ किस किस का पसंद है बताना। मेरी रोटी बन गई है, 2 रोटी और सब्जी, और ना पहले मैं खाना खाऊंगी उसके बाद कुछ करूंगी, मतलब किचन विचन साफ तभी करूंगी, क्योंकि रोटी बन गई है और लग रही भूख भी लग रही बहुत तेज की, क्योंकि दोपहर की खाई थी तो अभी भूख बहुत तेज लग रही थी, मैं कुछ भी नहीं खाया था, नमकीन वगैरह भी नहीं खाई थी, तो मैं बस खाना खाऊंगी उसके बाद किचन साफ करूंगी। वैसे थोड़ी बहुत मतलब ये सब समेटते हैं तो वो मैं समेट दूँगी। चलिए खाना खा के मिलते हैं आप लोगों से। तो चलिए इसी के साथ लेते मैं वीडियो के एंडिंग। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और ना उसमें सिर में भी दर्द हो रहा है, मैं कह रही थी ना सर में दर्द हो रहा है, थोड़ा मूड भी सही नहीं है तो सर में दर्द हो रहा है, तो इसलिए अभी झंडे बम लगा के बस सोऊंगी। इसके बीच बीच में कुछ ज़्यादा शूट नहीं करा मैंने, आज का छोटा सा ब्लॉग था। और ये क्या क्या है ये, ओ कितनी तेज आवाज है, और दृष्टि लगी है फोन में, और पतिदेव देख रहे हैं अपने आप को कि मैं कैसा लग रहा हूँ। बस 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 बहुत सुंदर लग रहे हो, बस बस बस, और बस रात को बस 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 शीशे में देख के देखे जा रहे हैं, निहार रहे हैं। चलो ओ सुमन आज अपने सारे टॉय दिखा रहे हैं ना सुमन, तो ठीक है। और अब ना मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है ना, तो मैं बस झंडे बम लगा ली सोऊंगी, और अभी टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं, जल्दी सोऊंगी क्योंकि सर का दर्द बंद ही नहीं हो रहा। मैंने बहुत देर से कोशिश करी थी बंद हो जाए, और वो बंद ही नहीं हो रहा, और आपको ये लग रहा होगा झंडे बम लगाइए। चलो इसी के साथ लेते हैं वीडियो के एंडिंग। आई होप आपको मेरा ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक भी करें। चलो।